इरेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आर के सर आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ का एक चैप्टर है परसेंटेज, जो कि बहुत ज़बरदस्त चैप्टर होता है। परसेंटेज पढ़ने के बाद समझिए कि पूरी आधी मैथ हमारी कवर हो जाती है इसी में। तो मैं पढ़ता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है सौ, यानी कि एक का सौवां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। यानी कि अगर हम लिखें एक बटे सौ तो यही प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है कि हम नंबर को किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखते हैं कि नंबर को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से प्रतिशत को हम आसानी से पढ़ेंगे। नंबर को तीन तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है सिंपल नंबर, जिसको साधारण संख्या भी बोलते हैं, दूसरा फ्रैक्शन नंबर होता है, जिसको हम भिन्नात्मक संख्या बोलते हैं, और तीसरे दो नंबर का हम प्रयोग करते हैं उस नंबर का नाम है डेसिमल नंबर। जिसको दशमलव संख्या बोलते हैं। बस यही तीन टाइप के नंबर होते हैं, और इन्हीं तीनों टाइप के नंबर का प्रयोग करके परसेंटेज हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि सिंपल नंबर क्या होता है। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि सिंपल नंबर क्या होता है। तो पहले लिखते हैं सिंपल नंबर। साधारण साधारण संख्या का मतलब जैसे परसेंटेज दिया हो 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। इसको हम सिंपल नंबर बोलते हैं। इसको जो है एक प्रतिशत मान है, इसको जब हम भिन्न में बदल लेते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। उसकी मदद से आसानी से सवाल को हम करते हैं। तो पहले एक मैं आपको भिन्न में बदल के दिखा दे रहा हूँ। यह है प्रतिशत मान, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्नात्मक मान। तो पहले मैं एक अलग से बदल के दिखा रहा हूँ कि 10% को आपको भिन्न में बदलना है। तो पहले लिखेंगे 10% का मतलब होता है 1/100। तो 10 × 1/100 करेंगे तो 10 कट जाएगा, बचेगा 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। उसी तरीके से 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 30% को 3/10 लिख सकते हैं, 40% को 2/5 लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 60% को 3/5 लिख सकते हैं, 70% को 7/10 लिख सकते हैं, 80% को 4/5 लिख सकते हैं, 90% को 9/10 लिख सकते हैं, और 100% का मान ठीक होता है। ये सब सिंपल नंबर है। 10%, 20%, 25%, 30%, इस सिंपल नंबर को जब हम भिन्न में बदल लेते हैं तो इसकी मदद से सवाल को जब हम करते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आसानी से काम कर। यहाँ पे देखिए ये 10% है, 10 का मान 1/10 होता है, और 10 का 2×20% है। तो इसका भी अगर हम 2 करें, 1/10 का 2 करेंगे 1/5 आ जाएगा। उसी तरीके से 20 का 2×40% है, 2। तो 20 के वैल्यू का भी अगर हम 2 करें तो आ जाएगा, 1/5 का 2 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। उसी तरीके से 50 का 2×50 है, यानी कि 25
25 का 2 गुना 50 है, 25 में हमने 2 से गुणा किया, उसी तरीके से अगर 25 के मान में हम 2 से गुणा कर दें तो ये 50 के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1/4 का भी 2 गुना हम कर दें तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 30 का 2 गुना 60% है, तो इसमें हम 2 से अगर गुणा कर लें कि 30 60 आ रहा है, तो उसी तरीके से 30 का मान 3/10 है, अगर हम 3/10 में 2 से गुणा कर दें तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 40 है, 40 का 2 गुना 80 है, यानी कि 40 में 2 से गुणा करने पे 80 आ जाता है, तो यहाँ पे 40 की वैल्यू दी गई है 2/5, तो उसी तरीके से 2/5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80 की वैल्यू के बराबर, यानी कि 4/5 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हमको याद रखना है और इसकी मदद से आसानी से सवाल को हम करेंगे। आइए इसको और समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और यहाँ 90% और 100%। अब देखिए 10% का मतलब 1/10, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मूल संख्या हमारी 10 है और 10 पे 1 जोड़ा गया है, तो आप बताइए अगर मूल संख्या हमारी 10 है, 10 में 1 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसी तरीके से 20% का मतलब 1/5 होता है, अगर इसको चलिए यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, अगर इसके पहले माइनस लग गया इसका मतलब मूल संख्या 5 है और इसमें से 1 हम कम कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 40% का मान होता है 2/5, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ इसका मतलब मूल संख्या 5 है और 2 इसमें हमने ऐड किया है, तो 5 से संख्या कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। इसी तरीके से सभी संख्याओं में ऐड करके या घटा के हम निकालेंगे। तो चलिए सिंपल नंबर के पहले हम सवाल करते हैं और देखते हैं सिंपल नंबर के सवाल कैसे आसानी से होते हैं इसकी मदद से। चलिए मैं एक सवाल लिखता हूँ, x प्लस एक्स का 20% बराबर 120, तो x का मान बताइए, ये सवाल है। चलिए इसको पहले बेसिक से करते हैं फिर अपने मेथड से करते हैं कि कैसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 देखते हैं, x प्लस एक्स का के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 20% का मतलब 100 होता है बराबर 120 दिया गया है, 20 × 20, 20 × 100। अब देखिए इसका 1/1 लिख सकते हैं, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x और 1x 6x 6x/5 बराबर 120, 5 से इधर भागा तो 5 से गुणा हो जाएगा 6x = 120 × 5, 6 से इधर गुणा है तो 6 से उधर भाग हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 120 × 5/6 हो जाएगा, 6 से काट दीजिए 6 × 12 और x बराबर 20 × 100, तो x का मान आ गया 100। ये हमारा बेसिक सा मेथड है जिसको लगाने में ज़्यादा टाइम खर्च होता है और एग्जाम आजकल का एग्जाम जो है वो टाइम का एग्जाम होता है, हमको ऐसे सवालों को सेकंडों में लगाना होता है कि 2-4 सेकंड में हमारा सवाल आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको मैं वैसे लगाता हूँ, सिंपल नंबर को भिन्न में बदलने से यूज करके कैसे हम आसानी से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 20%, तो पहले ऐसे हम लिख लेंगे 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया है यानी कि संख्या में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई संख्या 5 थी उसमें हम 1 जोड़ दिए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन संख्या तो 120 हो गई क्योंकि यहाँ पे बराबर में दिया है 120, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर, 120 के बराबर। अब 6 का कितना गुना 120 है, तो 6 का पहाड़ पढ़ लिए 6 × 12 और 1 0, यानी कि 6 का 20 × 120 है, तो 5 का भी 20 गुना कर लेंगे, तो 20 × 100 यानी कि x का मान कितना जाएगा,
सब आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अब दूसरा सवाल लिख करते हैं, x प्लस एक्स का बीस प्रतिशत बराबर 36, तो x का मान बताइए। इसी तरीके से देखिए कैसे आसानी से करते हैं, 20 प्रतिशत का मतलब 1/5, यहां भी जोड़ने की बात किया है तो प्लस लगा देंगे, इसका मतलब कोई संख्या पहले 5 थी, 5 में एक हम जोड़ दिए तो संख्या 6 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू 36 के बराबर है, तो 6 किसके बराबर होगा, 36 के कितना गुना, 6 का 6 गुना 36, 6 × 6 = 36, तो 5 का भी 6 गुना, यानी कि वह संख्या 5 का 6 गुना 30, वो संख्या 30 रही होगी। चलिए और सवाल करते हैं, x प्लस x का 80% बराबर 81, तो x का मान बताइए। तो अब देखिए यहां पे दिया 80%, तो पहले ऐसे लिखेंगे 80% की वैल्यू लिख लेंगे, 80% की वैल्यू 4/5 होती है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, इसका मतलब कोई संख्या पहले 5 थी, इसमें 4 जुड़ गया है तो संख्या कितनी हो गई, 5×4 9 हो गई, लेकिन संख्या तो 81 हो गई थी, तो 9 किसके बराबर, 81 के बराबर कितना गुना, 9 गुना 9 = 81, तो इसका भी हम 9 गुना कर देंगे, तो 5×9 = 45, यानी कि मूल संख्या हमारी 45 रही होगी। तो ये था सिंपल नंबर का यूज, सिंपल नंबर के यूज से सवाल को आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसी सवाल को शब्दों में कैसे करके पूछेगा, ये तो अंकों में ऐसे पूछ लेगा, अब देखिए शब्दों में इसको कैसे पूछेगा, शब्दों में इसी सवाल को लिख देगा, किसी संख्या में इसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का 80% जोड़ने पर उसका मान 81 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वही सवाल है, इसमें सवाल में कहा कि किसी संख्या में, तो संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या को हमने मान लिया है, किसी संख्या में इसी संख्या का x का ही 80% जोड़ा गया और यह जोड़ने पे उसका मान किसके बराबर हो गया, 81 के बराबर। जब अंकों में कहेगा तो इस तरीके से सवाल पूछेगा, और जब शब्दों में कहेगा तो इसी सवाल को शब्दों में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम सिंपल नंबर का यूज जो है जान गए हैं, अब पढ़ते हैं फ्रैक्शन नंबर का यूज कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर का मतलब होता है भिन्नात्मक संख्याएं, अब देखिए सिंपल नंबर तो आते ही एग्जाम में, लेकिन भिन्नात्मक संख्याओं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 37 सही 1/2%। अब देखिए सबसे पहले ए दिया है भिन्नात्मक रूप, एक प्रतिशत मान लिया है और इसको हमको भिन्न में बदलना, तो यहां लिख लेंगे भिन्नात्मक मान। तो पहले एक मैं किसी एक को चेंज करके आपको बता दे रहा हूं कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में इसका बदलेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। तो मैं इसी एक को बदल रहा हूं,
ग्यारह से ही एक बटे नौ प्रतिशत को हमको बदलना है धीरे धीरे। तो नौ का पहाड़ा ग्यारह में पड़ेंगे, नौ ग्रहे निन्यानवे और निन्यानवे एक सौ, इसको हम लिख सकते हैं सौ बटे नौ प्रतिशत। और प्रतिशत का मान होता है एक बटे सौ, तो यहाँ पे लिखेंगे सौ बटे नौ गुणे प्रतिशत के स्थान पे एक बटे सौ लिख देंगे, सौ से सौ कट गया। यानी चलिए अब तक हमने जो है सिंपल नंबर के बारे में जाना, अब जानते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का मतलब होता है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या जैसे हो गया 11 से ही एक बटे दो प्रतिशत, 11 से एक बटे नौ प्रतिशत, 12 से ही एक बटे दो प्रतिशत, 14 से ही दो बटे सात प्रतिशत, 16 से ही दो बटे तीन प्रतिशत, 33 से ही एक बटे तीन प्रतिशत, 37 से ही एक बटे दो प्रतिशत। ये सब जो संख्याएं आती हैं इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। इस समय की एग्जाम में इन्हीं का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, अधिकतर सवाल इन्हीं पे आते हैं, सिंपल नंबर पे अब सवाल बहुत कम आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें। तो मैं अभी बदल के यहाँ पे लिख दूंगा और ये मान अगर हमको याद हो जाएगा तो बड़े से बड़े सवाल को हम आसानी से दो या तीन सेकंडों में आसानी से लगा सकते हैं। आइए इसको मैं बदल के आपको दिखा रहा हूँ कैसे बदलते हैं। तो एक मैं बदल के दिखा रहा हूँ, 11 से ही एक बटे नौ प्रतिशत है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो पहली बात इसको ऐसे कहेंगे, नौ के रही हम निन्यानवे, निन्यानवे एक सौ, इसको हम लिख सकते हैं सौ बटे नौ प्रतिशत। सौ बटे नौ प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे सौ, तो गुणे एक बटे सौ कर लेंगे, सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक बटे नौ। इसका मतलब ये हुआ कि 11 से ही एक बटे नौ प्रतिशत को हम एक बटे नौ लिख सकते हैं। उसी तरीके से 12 से ही एक बटे दो प्रतिशत को जब हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसको एक बटे आठ लिख सकते हैं। 14 से ही दो बटे सात को एक बटे सात लिख सकते हैं। 16 से ही दो बटे तीन को एक बटे छः लिख सकते हैं। 35 से ही एक बटे तीन को एक बटे तीन लिख सकते हैं। 37 से ही एक बटे दो को तीन बटे आठ लिख सकते हैं। जिस तरीके से सिंपल नंबर में हमने प्लस माइनस करके देखा था, सेम वही कहानी इसमें भी है। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई संख्या पहले आठ थी, अब उसमें एक जुड़ गया, तो आठ से कितनी हो गई, नौ हो गई। इसमें अगर मैं माइनस लगा दूँ तो इसका मतलब कोई संख्या पहले सात थी, एक कम हो गई, तो सात से कितनी हो गई, छः हो गई। इसमें अगर मैं माइनस लगा दूँ इसका मतलब कोई संख्या पहले तीन थी, एक कम हो गई, तो इसका मतलब तीन से कितनी हो गई, दो हो गई। चलिए अब इसमें भी सवाल करते हैं आसानी से, कैसे हम सवाल को लगाते हैं ये देखिए। तो एक सवाल में लिखा हूं, एक्स प्लस एक्स का 11 से ही एक बटे नौ प्रतिशत बराबर 500। तो एक्स का मान बताइए। अब देखिए इस सवाल को जब हम बेसिक्स लगाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक मिनट टाइम चला जाएगा, लेकिन हमको इस सवाल को एक मिनट में नहीं लगाना, इसका यूज करके हमको आसानी से लगा देना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे 11 से ही एक बटे नौ प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो 11 से ही एक बटे नौ प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे नौ, अभी अभी हमने देखा था। अगर मान लीजिए एग्जाम में हमको नहीं याद आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है तो हम बस आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे 11 नौ निन्यानवे, निन्यानवे एक सौ, सौ बटे नौ हो जाएगा और प्रतिशत का मतलब नीचे बटे सौ हो जाएगा, सौ से सौ कट जाएगा, एक बटे नौ बचेगा। और इसमें जोड़ने की बात किया है, यानी कि प्लस लगा तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या पहले नौ थी और इसमें हम एक जोड़ दिए तो संख्या कितनी बन गई, नौ से दस बन गई। यानी कि मूल संख्या हमारी नौ है और एक जोड़ने के बाद नई संख्या दस बनी है, लेकिन नई संख्या तो 500 दिया गया है तो 10 500 के बराबर हो जाएगा। 10 का कितना गुना 500 है, 50 गुना, तो 9 का भी 50 गुना कर लेंगे तो 9 पचे 45 और एक ये वाला जीरो, यानी कि मूल संख्या 450 थी। आइए एक सवाल और करते हैं इस पे।
एक्स प्लस एक्स का 16 सही 2/3 प्रतिशत बराबर 490, तो एक्स का मान बताइए। तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ऐसे लिखा है 16 सही 2/3 प्रतिशत, इसका मान होता है 1/6, यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब कोई संख्या पहले 6 थी, इसमें 1 जोड़ दिया गया तो 7 हो गई, लेकिन नई संख्या तो 490 हुई थी, तो 7 किसके बराबर, 490 के बराबर। कितना गुना, 7 का पहाड़ पढ़िए, 7 × 49 और 1 × 0 70 गुना, तो इसका भी 70 गुना हम कर लेंगे, तो 6 × 7 = 42, यानी कि वह संख्या 420 रही होगी। आइए और इससे हार्ड सवाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक सवाल लिखा हूँ, x प्लस एक्स का 60% बराबर 80 40.32, तो x का मान बताना है आपको। तो देखिए इसी तरीके से इसको भी बड़ा आसानी से हम लगा सकते हैं। पहले ऐसे लिखेंगे 60% का मान होता है 3/5। मान लीजिए एग्जाम में हमको नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 60% का मतलब 100, ऐसे 100 कर लेंगे, 1 0 कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, कितना आ गया 3/5। इसका मतलब 60% को 3/5 हम लिख सकते हैं। और इसमें जोड़ने की बात किया है, x प्लस x का 60%, तो प्लस की बात किया तो हम भी यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कोई संख्या 5 थी जिसमें 3 जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी, और यही 8 किसके बराबर है, 80 40.32 के बराबर। अब देखिए कितना अच्छा पैटर्न सेट है, 8 × 10 = 80, 8 × 25 = 40 और 8 × 4 = 32, तो 5 का भी वैसे कर लीजिए, 5 × 10 = 50, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, 2 रुपये यहाँ 10 लगा था, 2 रुपये आप यहाँ 10 लगा दीजिए, यानी कि वो संख्या 5025 है ना। आइए एक सवाल सोल्व करते हैं। ऐसे दिया है एक्स माइनस एक्स का 25% बराबर 30 35.18, तो एक्स का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना, बस वैसे 25% का मान लिख देंगे, तो 25% बराबर होता है 1/4। आपकी बार देखिए हरदम प्लस लिखता था, आपकी बार माइनस लिख दिया है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या पहले 4 थी, तो यहाँ लिख लेंगे पहले 4 थी, अब इसमें से 1 कम हो गई, तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, और यही 3 इसके बराबर है 30 35.18। इसका भी देखिए कितना अच्छा पैटर्न सेट है, कि 3 × 10 = 30, 3 × 3 = 33, 3 × 6 = 18, तो उसी तरीके से 4 का भी पहाड़ा पढ़ देंगे, 4 × 10 = 40 और 4 × 11 = 44 और 4 × 6 = 24, यानी कि वो संख्या 4044.24 है। तो हमने 2 नंबर सीखा, सिंपल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। अब हम सीख रहे हैं डेसिमल नंबर क्या होता है, और इसका भी यूज हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर पे सवाल कैसे आते हैं और कैसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आइए यहाँ पे लिख रहे हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्या। एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जिनका परसेंटेज दशमलव में करके दिया होता है, तो अधिकतर स्टूडेंटों के लिए चैलेंजिंग भरा काम हो जाता है कि दशमलव को हम सिंपल नंबर में कैसे बदलें, तो वही सबसे उनको कठिन लगने लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको याद कर लेना है और हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 11.11%, ये दशमलव संख्या है।
मैं लिख दूं 12.5% एक दशमलव संख्या है। चौदह दशमलव 28%, 16.66%, 35.33%, 37.25%। अब देखिए ये जो 11.11% लिखा है ना, ये वही वाला नंबर है, 11 से 1/9%, और इसकी वैल्यू कितनी हुई थी, 1/9 के बराबर। ये जो 12.5 लिखा है, ये 12 से 1/2% लिखा है, 12 से 1/2 का मतलब 1/8। 14.28 जो लिखा है, ये 14 से 2/7% लिखा है, 14 से 2/7 का मतलब 1/7 होता है। 16.66 का मतलब 16 से 2/3% है, और इसका मतलब होता है 1/6। 33.33 का मतलब 33.1/3% होता है, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था 1/3। 37.25 का मतलब होता है 37.5%, तो 37.1/2%, तो 37.1/2 का मतलब 3/8 हमने निकाला था। बस वही प्रक्रिया इसमें भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कोई संख्या 9 है, 9 में से एक कम हो गई, तो कितनी बचेगी, 8 बचेगी। यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ, इसका मतलब कोई संख्या 8 है, 8 में एक जुड़ गया तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ, इसका मतलब कोई संख्या 3 है, 3 में से एक कम हो गया तो कोई संख्या कितनी बचेगी, 2 बचेगी। इसका भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आइए इस पे सवाल करते हैं। एक सवाल में लिखा हूं, एक्स माइनस एक्स का 33.33% बराबर 2000, तो एक्स का मान बताइए। आइए इसको करते हैं। तो पहले लिखेंगे 33.33% का मतलब होता है 1/3, और यहाँ पे लगा माइनस, तो हम भी लगा देंगे माइनस। इसका मतलब कोई संख्या पहले 3 थी, उसमें से एक कम हो गया, कितनी बची, 2 बची। लेकिन यहाँ तो 2000 दिया है, तो 2 किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर। 2 का कितना गुना 2000 है, 1000 गुना, 1000 गुना है इसका, तो इसका भी हम 1000 गुना कर लेंगे, तो 3 का 1000 गुना 3000 हो जाएगा, यानी कि मूल संख्या हमारी 3000 होगी। आइए एक सवाल और करते हैं इस पे। x माइनस x का 14.28% बराबर 666, तो x का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा 14.28%, बस हमको कुछ नहीं करना है, इसी को लेके करना है। इसको हम लिखेंगे 14.28%, और 14.28% का मतलब अभी हमने देखा था कि 1/7 होता है। यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। इसका मतलब कोई संख्या पहले 7 थी, एक कम हो गई, तो कितनी बची, 6 बची, और यही 6 किसके बराबर है, 666 के बराबर है। कितना गुना बना, 6 × 6, 6 × 6, 6 × 6, 111 गुना बना, तो 7 का भी कितना गुना बन जाएगा, 111 गुना, तो हो जाएगा 777। तो ये संख्या आ गई 777। देखिए, तो इस वीडियो में हमने जो है नंबर के बारे में पढ़ा कि नंबर 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल नंबर, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। इन अगर ये तीनों में नंबर के जो है भिन्नात्मक मान हमको याद हो जाते हैं, और इसका यूज करेंगे हमको याद भी हो जाएगा, तो ऐसे सवालों को हम 2-3 सेकंडों में लगा सकते हैं, बड़े बड़े सवालों को, और कोई मिस्टेक नहीं होगी, आसानी से हम लगा सकते हैं। इसके आगे की चीज़ अगली वाली वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।